हाँ भैया, तो कहते हैं लेट्स किल में हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। वेलकम टू मोटरॉक टीम। कैसे आप लोग सब आज? तो भाई साहब, हमारी यहाँ पे मैच लग चुकी है एक इंडियन टीम के साथ, टूर्नामेंट की मैच है। और आज भाई साहब, आज आपका भाई कुछ अलग ही करने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए गेम के अंदर चलेंगे, आप लोगों को दिखाऊंगा आज हम लोग करने क्या वाले। तो चैनल पे पहली बार आयो सब्सक्राइब ठोक दो भाई साहब, 2 मिलियन करने कितने कम सब्सक्राइबर चाहिए भाई, बहुत जल्दी होने वाले। चलते हैं गेम के अंदर। ये लो भाई साहब, हमारी साइड से गोहिल आ चुका है गाइज अटैक के लिए। फाइनली लेट्स सी गाइज गोहिल क्या कर सकता है। ओके गाइज, तो गोहिल यहाँ पे आ चुका है 6 सुपर ड्रैगन 7 लाइटनिंग के साथ। क्या बात है भाई साहब, आजकल लाइटनिंग का यूज थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो रहा क्या? ओके गाइज, तो स्टार्टिंग में गोहिल ने यहाँ पे फ्लेम फ्लिंगर डिप्लॉय करिए 9 क्लॉक पे। ओके, अरे यार फंस जाएगी यार इसकी फ्लिंगर, है ना। देखो ना, एक्सबॉय ग्राउंड एक्सबॉय भाई, वो छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा वो। तो ग्राउंड एक्सबो को कैसे टैकल करेगा भाई, कैसे बचाएगा अपने फ्लेम फ्लिंगर को। ओके, फ्लिंगर की हेल्थ थोड़ी बहुत तो गोहिल ने यहाँ पे बचा ली है। लेट्स सी फ्लिंगर अभी कैसे बचेगा ग्राउंड एक्सबो से। आर्मी अभी तक इसने चालू करी नहीं है। 40 सेकेंड भाई साहब ने ऐसे ही मतलब इधर ही गवा दिए। खैर, इस आर्मी में टाइम उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना ज़्यादा फनल ज़रूरी है भाई साहब, क्योंकि टाइम कवर हो ही जाता है इसके अंदर, इलेक्ट्रो ड्रैगन के अंदर, है ना। तो देखते भाई साहब, बाप रे क्या ही खतरनाक सी वैल्यू निकाली है गोहिल ने इधर से। देखो 1 मिनट में 15% निकाला है गोहिल ने, ठीक है। ओके, फ्लिंगर अभी भी उसकी रेंज में आया नहीं है ग्राउंड एक्सबो की रेंज में। क्वीन को डिप्लॉय कर दिया, सारे सुपर ड्रैगन्स आ चुके, बलून्स आ चुके। ओ भाई, फ्लिंगर को अभी तक नहीं पकड़ा उसने, गजब भाई गजब सीन है। अभी तक फ्लेम फ्लिंगर को पकड़ा नहीं है और शायद पकड़ेगा भी नहीं। टाउनल के ऊपर आ चुके हैं सारे के सारे सुपर ड्रैगन्स, रेड स्पेल डिप्लॉय कर दिया। बुढ़ाओ की एबिलिटी आण दो, नाइस नाइस, बुढ़ाज एबिलिटी। बार्बेरियन किंग बेस के बाहर जा रहा है, क्वीन की एबिलिटी भाई साहब, क्वीन की हेल्थ देखो, क्वीन की हेल्थ देखो, एबिलिटी दे दे। ओ भाई साहब यूज हो गई एबिलिटी। आर्मी तो देखो गाइस स्कोर में पुश हो चुकी है अच्छी तरीके से, ठीक है। अरे यार लावा काई को निकल आया भाई बाहर, पॉइजन स्पेल टावर ने पॉइजन फेंक दिया। फ्लेम फ्लिंगर अभी भी जिंदा है, क्या बात है भाई, ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम फ्लिंगर अभी भी जिंदा है, फटा नहीं है अभी तक। ये लो अभी 2 मिनट होने वाले फ्लेम फ्लिंगर को डिप्लॉय करके। लो भाई साहब 1 मिनट 58 सेकेंड तक फ्लेम फ्लिंगर जिंदा रहा, मजा आ गया देख के भाई साहब। ओके, रॉयल चैंपियन को डिप्लॉय कर दिया, यहाँ पे हेड हंटर चाहिए था यार, एनिमी बार्बेरियन किंग है, हेड हंटर भाई साहब लेके आए ही नहीं है। 2 रॉकेट लून की जगह 2 हेड हंटर लाते तो शायद काम बन सकता था यहाँ पे, लेकिन अभी देखो आरसी है ना, आरसी यहाँ पे फंस जाएगी। एक्चुअल में यार 2 इनकी जगह 2 हेड हंटर लेके आता तो बहुत सही रहता भाई काम। चलो क्या होएगा भाई, टाइम भी बहुत कम है, हेड हंटर है नहीं तो बार्बेरियन किंग मार ही देगा आरसी को, नो डाउट। ये लो भाई 86 हो गया, ले भाई आरसी मर गई, आरसी जिंदा रहती तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। 87 हो गया, 87 और कितना खींचेगा, 89 हो गया भाई साहब। चलो सही है गाइस, पहला अटैक हमारी साइड से 89% 2 स्टार हुआ है, हो सकता था 3 स्टार अच्छे से एग्जीक्यूट करता तो। ये लो गाइस, ड्रैगो आ चुका है हमारी साइड से अटैक करने के लिए। लेट्स सी ड्रैगो कौन सी आर्मी के साथ कर रहा है, ये क्या लेके आया, ब्लिजर्ड ला लो। ओके, विदाउट पॉइजन स्पेल, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रो टाइटन लेके आया, ठीक है। ओके, ईगल कंपार्टमेंट में ब्लिम फोड़ी है, अरे बाप रे जायंट बम फट गया, नाइस। सिंगल सिंगल मिल जा, मिल गया, ईगल मिलेगा क्या, मिलना तो चाहिए भाई, मिल गया। 7% 8%, ओके 9% की वैल्यू निकाली है। अब बेस के अंदर बस एक मल्टी इन्फिर्नो है, देखो गाइस सिंगल तो खैर कुछ कर नहीं पाएगा, लालो लावा लून को सबसे ज़्यादा तो मल्टी दिक्कत देता है। यहाँ पे आइस गोलम्स आ चुके हैं, आर्चर क्वीन को डिप्लॉय कर दिया, नाइस। चलो भाई बेबी ड्रैगन को भी डिप्लॉय कर दिया है फनल के लिए, आई थिंक वॉल ब्रेक देगा ड्रैगो, यहाँ पे वॉल ब्रेकर देगा जिससे कि क्वीन अंदर जाए। ये लो गाइस परफेक्ट, वॉल ब्रेकर डिप्लॉय कर दिया, उधर से क्या करेगी क्वीन अंदर जाएगी स्कैटर कंपार्टमेंट में। इलेक्ट्रो टाइटन को भी डिप्लॉय कर दिया, अभी इलेक्ट्रो टाइटन क्वीन के आगे रहेगी जिससे कि जो भी स्केलेटन फिलेटन आएंगे पहले ही मर जाएंगे, और आके अंदर आते ही मर जाएंगे गाइस,
अरे बाप रे, बार्बी एंड किंग को भी उतार दिया भाई साहब ने तो। ये उतना हेवी कंपार्टमेंट था क्या जहां पे बार्बी एंड किंग उतारने की जरूरत पड़ी ड्रैगो को? लेट्स सी, देखते हैं। हाँ हेवी तो था भाई, विंड डैमेज कर रही थी बहुत ज्यादा। चलो 26% 27% की वैल्यू, ऑलमोस्ट 30% हीरोज के साथ निकाल लेगा शायद। ये लो 29% पे लावालून चालू कर दिया, लावा डाल के बलून्स डिप्लॉय करें। और अच्छी बात यह कि टाउन हॉल पे उतना ज्यादा डैमेज है नहीं, स्प्लैश डैमेज जो बलून्स को दिक्कत दे। एक ही चीज है, टाउन हॉल और इनविजिबिलिटी स्पेल टावर, लेकिन उन दोनों को फ्रीज कर दिया भाई साहब ने यहाँ पे। ओके, अभी भी एक लावा 12 बलून्स बच चुके हैं ड्रैगो पास। हेड हंटर्स डिप्लॉय कर दिए, नाइस नाइस नाइस। ओ भाई साहब मजा आया देख के, परफेक्ट टाइमिंग पे वार्डन एबिलिटी। ओके, लावा हॉन्ड को सरवाइव करा लिया था ड्रैगो ने यहाँ पे वार्डन एबिलिटी के अंदर। ओके, आरसी के पास एबिलिटी बच चुकी है, दो फ्रीज है, दो इनवी है, 5 बलून्स है, बलून्स को भी डिप्लॉय कर दिया। परफेक्ट फ्रीज बोलते गाइज, खत्म लग रहा है आरसी एबिलिटी है, खत्म लग रहा है मेरे को तो ये बेस। बलून्स ने मस्त काम किया यहाँ पे। ये लो गाइस खत्म है, एक इनविजिबिलिटी स्पेल अभी भी बच चुका है ड्रैगो के पास। दैट्स परफेक्ट अटैक गाइस, ये परफेक्ट अटैकर है ड्रैगो, क्या ही खतरनाक अटैक करता है भाई ब्लिजर्ड लालों के, मजा ये अटैक देख। चलो भाई साहब ये हो चुका है ड्रैगो का 3-स्टार, काफी ज्यादा ओवर पावर तरीके से 3-स्टार किया है ड्रैगो ने यहाँ पे, मजा आ गया। और इसी अटैक के साथ हमारी टीम आ चुकी है लीड में, हमारा स्कोर हो चुका है 2 अटैक के अंदर 5-स्टार। चलो भाई साहब अभी हमारी बारी आती है, हम लोग अटैक करने वाले इस नंबर 2 के बेस के ऊपर। ओके भाई साहब आर्मी देख लो, लाइटनिंग भी ले रहे हैं।
8 स्टार हो गया भाई साहब। अभी देखो एनिमी टीम का 4 में 8, हमारा 3 में 8। अभी हमारी साइड से अगला अटैक आने ही वाला है। ओके गाइस, हमारी साइड से एजाज भाई कूद चुके हैं मैदान में अटैक के लिए। ओके लेट्स सी एजाज भाई का यहाँ पे प्लान देख लेते हैं हम लोग। बेबी इन्फिर्नो ड्रैगन 10 लाइटनिंग, ओ भाई साहब 10 लाइटनिंग लेके आए भाई साहब यहाँ पे, क्या बात है भाई क्या बात है, देखते क्या कर सकते हैं। नाइस नाइस, गलत अर्थक्वेक डाल दिए क्या? अबे यार क्या कर रहे हो यार, हद हो गई भाई हद हो गई, ये क्या कर दिया 5 लाइटनिंग में इनको ये मिला ही नहीं स्पेल टावर। अर्थक्वेक इन्होंने शायद गलत डाल दी थोड़ी सी, गजब सीन है भाई। बताओ हिट पॉइंट क्या हुआ, 3000 है क्या, 35 आई थिंक 3000 से ज़्यादा हिट पॉइंट है यार स्पेल टावर का मेरे हिसाब से, इसलिए नहीं फूटा क्या। पता नहीं क्या इन्होंने अर्थक्वेक गलत डाला या लाइटनिंग गलत डाला, कुछ समझ नहीं आया मेरे को, कैलकुलेशन गलत हो गई पर एजाज भाई की। एक्सपेक्टेड था कि दोनों के दोनों पॉइजन स्पेल टावर भी टेक डाउन हो जाए यहाँ पे, अगर वो टेक डाउन हो जाते बेस के अंदर क्या था भाई, एक सिंगल क्या करेगा वो एक स्केलेटन है उसके लिए, और यहाँ पे एजाज भाई ब्लिंप भी लेके आए हैं, हद है यार हद है एजाज भाई, थोड़ा सा अच्छे से लाइटनिंग और अर्थक्वेक डाल दे तो वो दोनों स्पेल टावर मिल जाते, गजब सीन है भाई। चलो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्केलेटन स्पेल डिप्लॉय करा है एक्सबो के सामने, उसके बावजूद एक्सबो ने धर लिया भाई बारबेरियन किंग को। प्लान तो देखो एजाज भाई का तगड़ा था, मतलब अगर वो मिलता जो इनको चाहिए था भाई साहब मजा आ जाता फिर तो। ओ भाई रिस्की ब्लिंप, पाप रे टोर्नेडो तो नहीं है, चल थैंक गॉड, बिना स्पेल के निकालेंगे भाई साहब, नाइस नाइस निकाल लिया, रॉयल चैंपियन को डिप्लॉय कर दिया यहाँ पे। टाउन हॉल की साइड पे थोड़ा सा ज्यादा डैमेज रखा है भाई बंदे ने, देखो ना वहां पे टेस्लास बहुत सारे हैं, स्केलेटन्स हैं, दो दो ग्राउंड एक्सबोज है जो हीरोज को मारने का काम कर रहे हैं भाई। बुड्ढा जिंदा है लेकिन ये जो सिंगल इन्फिर्नो बचा है ना यार, ये टेक डाउन होना जरूरी था लेकिन हुआ ही नहीं। चलो भाई साहब ये वाला तो मेरे को फेल लग रहा है, देखो स्केलेटन स्पेल्स इतने सारे रखे हैं भाई बंदे ने, स्केलेटन स्पेल्स बोल रहा हूँ, स्केलेटन ट्रैप्स। ओके 82% कितना खींचेंगे भाई, कितना खींच पाएंगे, 82-83% 84% 85 होएगा क्या, ये लो 85-86 86 हो गया, 90 तक आएगा, 90-89 आ गया, 90 आ जाएगा, 91 भी आएगा, 92-93 आएगा मेरे हिसाब से, 90-91-92 और ये 93 आएगा, उसके ऊपर 1% नहीं आएगा यार, छोटा सा हिस्सा बचा था यार बेस का। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हाई परसेंट तो आया अबाउ 90। सो गाइज एजाज भाई का हो चुका है यहाँ पे 2 स्टार, 93%। स्टिल हम लोग लीड में 4 में 10 है हमारे, एनिमी के 4 में 8 है। ये लो भाई साहब तैयब भाई को आखिरी अटैक कर रखा है और तैयब भाई के ऊपर लिटरली कोई प्रेशर है ही नहीं, 5 में 10 हो चुके हैं एनिमी के, हमारे 4 में 10 हो चुके हैं, तैयब भाई को जाना है 1 स्टार निकाल के आना है, दैट्स इट, हम लोग जीत गए, मजा आ गया भाई साहब। एनिमी टीम की साइड से गाइज यहाँ पे एक भी 3 स्टार अटैक लगा नहीं है, 5 में 10 मतलब हर अटैक में 2-2 स्टार अटैक्स लगे उनके, चलो अच्छी बात है। तैयब भाई को कुछ नहीं करना है यहाँ पे, तैयब भाई को सिर्फ सिंपली टाउन हॉल के ऊपर सारी आर्मी डालनी है, सब कुछ टाउन हॉल पे लगा देना है, 1 स्टार निकाल के आना है, दैट्स इट, खत्म भाई, ज्यादा कुछ करने की जरूरत। बताओ सीसी को इनविजिबल कर दिया, अरे यार ये मुश्किल है यार, ये स्ट्रेटजी मुश्किल है, स्केलेडोनेट लावलून यार, देखो मैं अगर होता ना मैं तो सीसी को भी इनवी कर देता, वो मॉनलिथ को भी इनवी कर देता, सबको इनवी कर देता, मुश्किल है भाई क्योंकि यार कैसे डालेगा बंदा यार, उंगली थर थर कांपती है भाई ये डालते टाइम, ये स्पेल डालते टाइम। कर लो बात, नाइस बेट मैन, लो भाई साहब सीसी बेट हो गई, तो ये भाई की यहाँ पे बारबेरियन किंग को उतारा है, ये कर रहे थे स्केलेडोनेट लावलून लेकिन इनको टाउन हॉल नहीं मिला, और ऊपर से ये देखो इलेक्ट्रो टाइटन ट्रूप रखा है सीसी के अंदर। ओके अरे यार इनको 1 स्टार निकालना है, ये इन्होंने लगता है सीरियसली ले ली ये बात कि हाँ चलो 1 स्टार ही निकालना है करके, अब टाउन हॉल कैसे निकालोगे भाई,
तीन फ्रीज है इनके पास, आइस लावाउंड के साथ अटैक कर रहे हैं। मैं भी आइस लावाउंड के साथ ही करता हूँ, मस्त लगता है यार आइस लावा के साथ अटैक करते टाइम, थोड़ा एक्स्ट्रा एचपी मिल जाता है ना, और ऊपर से फ्रीज भी हो जाता है अलग से फटने के बाद। लो फट गया, वापिस फ्रीज डाल दिया इनने, नाइस हेस्ट। एक और फ्रीज लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा फ्रीज, इन भी हो गया भाई साहब। क्वीन की एबिलिटी, अरे बाप रे गाइस क्या ही कर रहे थे ये भाई यहाँ पे, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा ये। एक फ्रीज बचा है भाई साहब के पास, आरसी टाउन हॉल पे डाल दी फ्रीज, गलत डाल दिया भाई साहब ने यहाँ पे। एक स्टार भी कर पाएंगे क्या? ओ भाई लगता है इन्होंने सच्ची में सीरियसली ले ली बात। हो जा भाई, हो गया भाई एक स्टार, हो गया जीत गए मैच, खत्म कहानी। चलो भाई साहब मेरे को तो लगा था ये जीरो स्टार ना हो जाए यार, धक धक हो रहा था। चलो जीत गए गाइस ये वाली मैच, 60% आ चुका है, टोटल 12 स्टार के साथ हम लोग ये वाली मैच जीत चुके हैं। तो बस भाई साहब आज के मैच में फिलहाल तो इतना ही, चैनल पे पहली बार आए तो ठोको लाइक बटन, ठोको सब्सक्राइब बटन। अभी मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैच का रिजल्ट देख के जाना ठीक है। ये लो भाई साहब ये स्कोर हो चुका है यहाँ पे 12 स्टार और मैच हम लोग जीत गए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।